नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुकेटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे सीजी दसवीं बोर्ड परीक्षा 2024 का विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर है। 12 मार्च को आपके एग्जाम होने वाले हैं। इस पेपर के आंसर की भी आपको बताने वाला हूं। 3 घंटे का एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर रहने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है सूर्य धान जुआ सांप उपरोक्त खाद्य संक्रामी उत्पादक है, तो पहले क्वेश्चन में कौन सा आएगा? धान इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बै ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट आता है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन, धान की अधिक किस्में पाए जाने का कारण है, यानी कि जो अधिक किस्में पाए जाने का कारण है तो किसमें है? कृत्रिम चयन के अंदर, यानी कि द ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? CnH2n, ये वाला CN की सह ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है, तो 4 नंबर जो क्वेश्चन उसमें क्या आएगा दोस्तों? Cu+Zn, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा? 1/2, यानी कि बे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है खंड बै के अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए, NuH एक क्षार है, तो NuH क्या है दोस्तों? प्रबल क्षार है, तो NuH क्या है? प्रबल क्षार। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन, टॉर्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊर्जा में रूपांतरण है, तो क्या है? प्रकाश या विद्युत, ठीक है। नेक्स्ट आता है 3रा क्वेश्चन, हार्मोन पौधों की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है, तो क्या आएगा? जिबरेलिन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आता है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, क्या होता है? एक समान। उसके बाद में आता है CH3COOH में क्रियात्मक समूह है, तो क्या आएगा? COOH। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, इसमें है खंड सह के अंदर आपको क्या करना होगा दोस्तों? मिलान करना होगा। सेब की बात करें तो मौली कमल है, सेब क्या है? मौली कमल है। और सल्फाइड एस का वो आयरन क्या है दोस्तों? यहाँ पे आयरन फाइराइट है, ये वाला। उसके बाद में शरीर का ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है। और अवतल दर्पण टोर्च सच लाइट यह तो होता है आपका अवतल दर्पण में होता है। सूक्ष्म जीव अपघटक है, तो इस तरीके से आपको मिलान करना होगा। और उसके बाद में आता है 2 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आ चुके, उत्पादक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसको रट लेना। और उसके बाद में आता है 3 नंबर, सोलर कुकर बॉक्स के अंदर से काला रंग किया जाता है, इसके बारे में समझाना है। उसके बाद में आता है भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई, घर जाकर उसने उस स्थान पर साबुन से लगाया तो कपड़ा लाल हो, इसका क्या कारण हो सकता है? PVC का पूरा नेम क्या है इसकी परिभाषा देंगे। और उसके बाद में आता है दीर्घ रोम विलाई किसे कहते हैं, गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, इसके प्रकार का नाम बताना है, केवल नाम बताना है। आभासी प्रतिमा और वास्तविक प्रतिमा में 3 अंतर बताएंगे। उसके बाद में विद्युत मोटर क्या है इसका सिद्धांत बताएंगे। जीवों के विकास के सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु बताएंगे। अनुवांशिक जनक किसे कहते हैं और इन जिन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया है और उन पौधे को चुनने का 2 कारण बताना होगा। समजात समवर्ती लक्षण क्या है उदाहरण सहित बताएंगे। धमनी सिरा में 4 अंतर बताने वाले हैं। नेक्स्ट आता है अथवा के अंदर पूछा है लैंगिंग और अलैंगिक जनन में 4 अंतर बताएंगे। उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है किन निम्न लवणों को अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के आधार पर पृथक किया जाता है, इनके रासायनिक नाम लिखेंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अथवा में पूछा यहाँ पे निम्न जोड़ों में से उस तत्व का नाम बताना होगा जिसका परमाणु आकार क्या है? बड़ा है, और इसका कारण भी आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है टेफ्लॉन बनाने का रासायनिक समीकरण और उसके 2 उदाहरण उपयोग लिखेंगे। अथवा के अंदर पूछा है प्लास्ट ऑफ पेरिस बनाने का रासायनिक समीकरण, प्लास्ट ऑफ पेरिस के किस गुण के कारण डॉक्टर उसका उपयोग है टूटी हड्डियों में स्थिर रखने के लिए करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आता है प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए और वर्णन नियम भी लिखना होगा। दैनिक जीवन में कोई 2 कारण बताना है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन किसे कहते हैं, किरण आरेख को समझाना है, इसकी शर्तें लिखना होगा। दृष्टिवादी छात्रों के लिए भी दे रखा है यहाँ पे। और उसके बाद में आता है 16 नंबर क्वेश्चन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें, इस हेतु तो विद्युत परिपथ के बारे में बताना है। एक विद्युत परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध के सिरों पर 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो बहने वाली धारा की गणना कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे अथवा में पूछा ओम का नियम पूछा है, ओम के नियम की आपकी V और I के बीच में ग्राफ बताना है।
किलोवाट घंटा है, इसका मान जूल में बताना है। ठीक है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, भर्जन और निस्तापन में तीन अंतर। और उसके बाद में अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण बताना है, लोहे का जलवाष्प के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया हो गई। उसके बाद में अथवा में है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अंदर भी आपको अथवा में देखने के लिए मिलने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है किन्हीं दो पाइप हार्मोनों के नाम और उनके एक एक कार्य बताना है और एक को परिभाषित करना होगा, यहाँ पे एक उदाहरण देना है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, ऐच्छिक क्रिया क्या है। अथवा के अंदर भी यहाँ पे मानव के किन्हीं दो अंतः स्रावी ग्रंथों के नाम और उनके एक एक कार्य और परिभाषित करना होगा, एक एक कार्य लिखेंगे, जाइलम का और फ्लोएम। तो दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।